तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मारुति की जो करंट जनरेशन ब्रीजा है उसने क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग स्कोर किए थे और वो क्रैश टेस्ट 60 किलोमीटर पर आवर पर किया गया था और वो ग्लोबल एनकैप के द्वारा किया गया था। और वैसे तो आपको पता ही है कि जो मारुति की ब्रेजा है वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी को लीड करती हुई आ रही है जब से गाड़ी लॉन्च हुई है। और फ्रेंड्स, अब जो नई ब्रेजा आने वाली है जिसको मारुति ने पूरा ही चेंज कर दिया है, उसके बारे में जी एनकैप के सेक्रेटरी जनरल का ये भी कहना है कि न्यू ब्रेजा इजीली 5-स्टार रेटिंग स्कोर कर सकती है और मारुति ने इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी और भी इम्प्रूव करी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।